पाठ को आगे बढ़ाते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। लेखक तुलना करते हैं स्वयं के जूते की और प्रेमचंद के जूते की, और प्रेमचंद को एक तरह से उलाहना देते हैं कि तुम किसी से जूते मांग भी सकते थे। मुझे देखो, मेरे जूते का तल्ला छिल गया है, लेकिन मेरी उंगली बाहर नहीं दिखेगी, चाहे पूरा तल्ला मेरे पंजा छिल जाए। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पांव सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व तो नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ व्यंग है कि पर्दा, ढकना, छुपाना, और प्रेमचंद और हरिशंकर परसाई, पूर्व के साहित्यकार और वर्तमान साहित्यकार का अंतर, सामाजिक व्यवस्था का अंतर। अभी प्रतिष्ठा के नाम पर लोग छुपाते रहते हैं, प्रेमचंद प्रतिष्ठा के नाम पर स्वयं की कमी को नहीं छुपाते हैं, इसलिए उनके लिए पर्दा कोई बात नहीं है। अब लेखक आगे कहते हैं कि तुमने फटा जूता पहना है, लगता जैसे नया पहना हो। मैं तो ऐसे नहीं पहन सकता, चाहे जिंदगी भर फोटो नहीं खींचाऊं ये हो सकता है, लेकिन मेरी जीवनी कोई लिखे वो मेरे फोटो के बिना छाप दे, लेकिन मैं बिना पंज नए जूते के बिना जो है फोटो नहीं खिंचवा सकता। फटे जूते पहन के तो मैं फोटो ना खिंचाऊं। अब तुम, लेकिन तुम्हारी जो ये व्यंग मुस्कान है उससे मेरा हौसला जो है वो पस्त हो रहा है। ये मुस्कान कैसी है तुम्हारी? क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चढ़ गई? गोदान, पूस की रात, ये सब प्रेमचंद की रचनाएं हैं। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? ये सब प्रहार कर रहे हैं, क्या ये सब हो गया है कि तुम्हें मुस्कान आ रही है? क्या माधव जो है अपनी पत्नी के कफन भी प्रेमचंद की एक रचना है, कफन के पैसे से शराब पी गया? उसी पे तो व्यंग नहीं है। फिर लेखक कहते हैं कि मैं तुम्हारा जूता देखता हूँ कैसे फट गया। मेरी जनता के लेखक, जूते फटने की भी तो वजह होती है, या तो जूता छोटा था, या तो बहुत ठोकर लगी थी, या बहुत इस्तेमाल कर लिया गया। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, यानी बहुत चलते थे? क्या तुम्हारे ऊपर बनिए का कर्ज था, वो मांगने आ जाता था, इसलिए उसके डर से तुम बहुत दूर तक चले जाते थे कि देर से लौटो और बनिया चला जाए, यानी तुम कर्ज में डूबे थे। अब इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं कि कुंभन दास एक संत कवि हैं, उनको फतेहपुर सीकरी आने जाने में जो है बहुत पछतावा हुआ, और उन्होंने कहा, आबत जात पन्हैया आगे गई बिसर गए हो हरिनाम, कि फतेहपुर आने और जाने के क्रम में मेरे जूते जो हैं, पन्हैया कहते हैं चप्पल जूते को, वो घिस गई और मैं तो प्रभु का नाम भी भूल गया। बेकार में ही इस सुल्तान के चक्कर में मैं फंसा, मेरा ईश्वर ही अच्छा है। तो क्या ऐसा हो गया? और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा कि जिनके देखे दुख उपजत हैं तिनको करबो परे सलाम। अब आगे कुंभन दास ने कहा है कि जिन लोगों को देखकर मुझे दुख होता है ऐसे लोगों को भी अब मुझे सलाम करना पड़ रहा है, और ये मेरे लिए बहुत जो है बुरी स्थिति है। तो चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं है, तो तुम्हारा जूता फट कैसे गया? लगता है तुम किसी सख्त चीज पे ठोकर मार रहे थे, सामाजिक भ्रष्टाचार पे, अराजकता पे तुम ठोकर मारते रहे, प्रहार करते रहे उन चीजों पर, और इसीलिए तुम्हारा जूता फट गया। शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, विकास के रास्ते में पड़े हुए किसी पत्थर को तुमने अपनी ठोकरों से तोड़ा है, इसलिए ऐसा हो गया। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। आज के लोगों को देखो, अपने काम से मतलब रखते हैं, तुम क्यों सामाजिक परिवर्तन के बारे में सोचने लगे? तुम भी तो टीलों से समझौता कर सकते थे, जैसे आज के लोग हम लोग कर लेते हैं। सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, बड़ी विशालकाय नदियां होती हैं, पहाड़ में छेद करके निकलती हैं, कोई रास्ता बदल के भी तो चली जाती है। लेकिन तुम समझौता नहीं कर सके। क्या तुम्हारी भी वही कर्म कमजोरी थी जो होरी को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी? होरी को नेम धर्म के कारण वो गोदान करना चाहता था, और उसी को आधार बनाते हैं नियम और धर्म पे चलने के लिए। झूठी अंधविश्वास वाली बातों को भी उसने मान लिया था। तुम भी क्या मजबूर हो गए थे? नहीं, तुम्हारी आत्मा सशक्त थी, तुम मुक्ति चाहते थे। नेम धर्म तुम्हारा
बंधन नहीं था, तुम तो सामाजिक अराजकता से मुक्ति पाना चाहते थे। तुम्हारे पांव की जूतियां जो हैं, उससे जो उंगली निकल रही है वो देखती है कि अब उसको प्रतीक के रूप में लेते हैं। हम किसी की तरफ इशारा करते हैं हाथ की उंगली से, और प्रेमचंद के हाथ की उंगलियां नहीं, वो पैर की उंगली से समाज की ओर इशारा कर रहे हैं। यानी इन अराजकता, भ्रष्टाचार, सामाजिक अनीति, अनियम, अन्याय को इतने घृणा से प्रेमचंद देखते हैं कि उसकी तरफ अपने हाथ की उंगली से इशारा करना भी अनिवार्य नहीं समझते हैं। और कवि कहता है कि मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी, और तुम्हें भी, और तुम्हारे व्यंग मुस्कान को भी। आगे लेखक कहते हैं कि तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलवार घिसाए चल रहे हैं, चाटुकारिता में जी रहे हैं, दिखावे का जीवन जी रहे हैं, उन पर जो टीले को बरका कर बाजू से निकल जाते हैं। समस्या हुई तो मुझे इस समस्या से क्या, मैं बगल से निकल जाऊं। तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकाल ली, पर पांव बच रहा है और चलता रहा हूं। लेकिन हम लोग जो हैं उंगली को बचा रहे हैं, उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हैं, अर्थात हमारी आत्मा का नाश कर रहे हैं, हमारी वास्तविकता का अंत कर रहे हैं। तुम चलोगे कैसे? और अगर उंगली ना रहे, उंगली सुरक्षित ना रहे तो भी हम चल सकते हैं, लेकिन तलवा ना रहे तो हम चल नहीं सकते। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा भी समझता हूँ, और तुम्हारे व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। कवि कहता है, लेखक कहते हैं कि प्रेमचंद ने सामाजिक अराजकता का विरोध किया, अन्याय का विरोध किया, और ऐसी कुप्रथाओं पर प्रहार किया अपनी रचना के माध्यम से, जिससे कि समाज में व्याप्त अनीति जो है उसका अंत हो। और वर्तमान समय के साहित्यकार अपने बारे में कहते हैं और सामाजिक लोगों के बारे में कि सिर्फ निज स्वार्थ में अंधे हो रहे हैं, अपने स्वार्थ के आधार पर रचनाएं कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीवन जी रहे हैं, और इसलिए हम लोग प्रेमचंद की तुलना में कहीं सही नहीं है। लेकिन यह भी बड़ी दयनीय बात है कि प्रेमचंद जैसा विद्वान एक जूते के बिना है, उसके पास एक ढंग का जूता भी नहीं है। धन्यवाद।